हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टेस्ट प्रोग्रेस सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैंटिलीवर बीम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गूगल में मैंने कुछ सर्च किया है कैंटिलीवर बीम, जिस पर आपका एक यूवीएल लग रहा है, ये देखिए। तो हम ये कैंटिलीवर कैसे बनाएंगे और यूवीएल कैसे लगाएंगे, इसकी बात करते हैं। तो हमने डिफॉल्ट एक बीम लिया और एक ग्रिड पे हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम एलिवेशन 4 पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 है। ग्रिड को हाइड कर देते हैं और एक ही विंडो में, सिंगल विंडो में काम करता है। तो ये है, तो कैंटिलीवर मीन्स यहाँ पे फिक्स सपोर्ट, ये आपका बन गया कैंटिलीवर बीम। अब हमें लोड लगाना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, असाइन फ्रेम लोड यूडीएल, डिस्ट्रीब्यूट लोड। अब इस डिस्ट्रीब्यूट लोड से हमें बनाना है यूवीएल। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपका 1.2 किलो न्यूटन पर मीटर लगा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए, यूडीएल से हम यूवीएल कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एब्सोल्यूट डिस्टेंस किया और 0 पर 0 लोड, यानी कि यहाँ पर 0 डिस्टेंस है और 0 लोड है, और हमारा यहाँ पर कितना है, 4 मीटर। ये हमारा 4 मीटर का बीम है। वैसे आप अगर देखना चाहते हो तो कैसे, देखिए मैंने इस माउस पे ले गया, जब मैं इस जॉइंट पे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखना आप, एक्स है 0 और जब मैं इस जॉइंट पे ले आता हूँ तो एक्स है 8, तो उसका मतलब 8 मीटर का है, 8 मीटर। और यहाँ पे कितना है हमारा फोर्स, 1.2। ओके कर देते हैं, तो ये बन गया आपका यूवीएल। एनालाइज कर देते हैं, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड। और इसका बेंडिंग में डायग्राम आपको चेक करना हो तो मैं इसे चेक कर सकते हैं, ये देखिए भाई। विथ वैल्यू आपको आपको देखना है तो यहाँ पे वैल्यू क्लिक करेंगे, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर कुछ इस तरह से दिया हो, अगर 5 किलोमीटर इधर एज्यूम कर लीजिए, 5 इधर और 2 इधर है, ट्रेपेज़ॉइडल फॉर्म में लोड है, तो क्या करेंगे आप। तो हम क्या करते हैं, इसी को एडिट करते हैं, इसी लोड को। तो इस पर मैंने क्लिक किया और असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए, हमारा जो है 1.2 कहाँ लग रहा है, 8 मीटर पे 1.2, और यहाँ वो 8 मीटर पे कितना लग रहा है, 5, अकॉर्डिंग टू ये जो हमने अभी डायग्राम देखा था, 5। और हमारा 0 पे कितना लग रहा है, 2, यानी कि यहाँ पर हमारा लग रहा है 5, यहाँ पे हमारा फोर्स लग रहा है कितना, 5, और यहाँ पे कितना लग रहा है हमारा, 2। तो इस तरह से बन जाएगा ट्रैपेज़ॉइडल। ओके करके देखते हैं, ये बन गया आपका ट्रैपेज़ॉइडल। इसका भी डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये उसका बेंडिंग में डायग्राम चेक कर लेते हैं, ये इसका बेंडिंग में डायग्राम। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, देखिए अगर इस तरह से हो तो हम कैसे लोड लगाएंगे। तो एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे 6 लग रहा है और यहाँ पे 3 मीटर और फिर ये 1 मीटर और यहाँ पे 2 लग रहा है, तो इसको कैसे लगाएंगे हम, देखिए। सेलेक्ट किया हमने, उसी लोड को हम दोबारा से एडिट करते हैं, ठीक है। 0 पे हमारा 2 मीटर और 0 से फिर 2 मीटर पे, 1 मीटर पे हमारा 2। इसका क्या मतलब हुआ, 0 पे 2 है और 1 पे 2 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है ना। और फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 3 मीटर पर, ये 1 मीटर पे है, प्लस 3, 4 मीटर पर यहाँ पे लगा देता हूँ
सिक्स, इसका क्या मतलब हो गया, टू, फिर यहाँ पर भी टू और यहाँ पे सिक्स, अगर इनको कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का लोड होगा। तो करके देखते हैं, ये देखिए, तो हम इस तरीके का भी लोड लगा सकते हैं। इसको भी एक बार एनालाइज करके चेक कर लेते हैं। ये तो आप डिफरेंट टाइप के लोड यूडीएल से बना सकते हो। तो आज का ये था आपका कैंटिलीवर बीम विथ यूबीएल एंड ट्रैपोजॉइडल। थैंक यू।